हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये देखिए मोबाइल में कितने आराम से लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं देख रहा है इधर मुड़ के मैं कह रही हूँ तो। और चलिए चलते हैं, पहले पूजा करते हैं। देखिए मैंने पूजा कर ली, मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं इस तरह से। पूजा करने के बाद अब ये समय है सवेरे के 8 बजे का। और इस समय देखिए ऐसा सुनसान हो रहा है, पहले बहुत चहल पहल होती थी। मन्नू भी उठ गए हैं और मन्नू उठ के, मन्नू आजकल बहुत सवेरे उठ जाता है, लेकिन उठ के नहा धो के अब मोबाइल में लग गया है। मेरे साथ पूजा की और फिर मोबाइल में लग गया है। मैं इसे जगा रही थी ना, मैंने कि देख वीडियो बना रहे हैं, तो बस ज़रा सा देख के फिर अपने मोबाइल में लग गया। इसको बिल्कुल भी रुचि नहीं है किसी बात में, सिर्फ मोबाइल चलाने के अलावा। और ये है मेरा नाश्ता, अब मैं करूँगी नाश्ता। सवेरे का नाश्ता यही बना रखा है 8 बजे का। ये नाश्ता करने के बाद मैं और काम करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता लेके। मैं मनु से कह रही हूँ तू भी खा ले भाई, तो वो नहीं खा रहा है। सवेरे ये सवेरे नहा धो के ना पूजा वूजा करके कुछ खा लो तो सही रहता है बहुत शरीर के लिए। ना खाली पेट नहीं रहना चाहिए 9-10 बजे तक। मैं तो 2 बिस्किट और थोड़े से चने खा लेती हूँ। ये चने अगर 1 कटोरी लेती हूँ तो फिर बिस्किट नहीं खाती। ज़्यादातर हम लोग सवेरे को 8-8:30 तक यही नाश्ता कर लेते हैं। 10 बजे खाते हैं एक एक रोटी या परांठा, जो भी खाना होता है, या दलिया या जवे, जो भी खाना चाहें। और इस समय का नाश्ता यही होता है। तो मैं बात कर रही हूँ बहू से, मैं पूछ रही हूँ क्या बनेगा। वो सब्जियाँ बता रही है, देखो क्या बनता है, डिसाइड नहीं होता आजकल। तो पहले मैं इनके लिए बना दूँ हलवा, और मैं बनाने जा रही हूँ फिर से बेसन का हलवा। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन, उसको पहले मैं भून लूँगी खूब अच्छी तरह से। स्लो गैस पे मैं इसको बहुत ही हल्के हल्के भून लूँगी। इनको शुगर है ना, तो ये नहीं खाते हैं सूजी का हलवा, तो मैं इनके लिए कभी कभी ये बना देती हूँ। और इसमें मैं चीनी की जगह वो डाल देती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, धागा मिश्री डाल दी मैंने इसमें भूनने के बाद। और मैं इसको बनने दे रही हूँ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्की सी 1-2 मेवा डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये बस इन्हीं के लायक मैं बना रही हूँ, बच्चे नहीं खाते इसको शौक़ से, तो बस इन्हीं के लायक बना रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी देखिए इलायची, थोड़ा सा गोला, 4 बादाम और 8-10 किशमिश, यही डाल के मैं इनके लिए हलवा तैयार कर दूँगी। जल्दी बन जाता है, इसमें इतनी देर नहीं लगती। सूजी की तरह पतला बना रही हूँ, क्योंकि इनके दाढ़ में दर्द हो रहा था, मैं इनके लिए पतला बना रही हूँ ताकि ये इसको चम्मच से बड़े आराम से पी सकें। तो मैंने गोला डाल दिया ना, ये डाल दिए टुकड़े मेवा के, तो ये गुस्से हो रहे हैं क्यों डाल दिए, लेकिन मुझे खाली खाली अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने डाल दिए। इसमें देखो कैसा काला काला सा आ रहा है, पता नहीं कैमरे में एकदम कलर चेंज क्यों हो जाता है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको एक सूट, ये मैंने मंगाया है मीशो से, 550 का सूट है, सफ़ेद रंग का। देखिए कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मंगाया। ये प्योर कॉटन का है कपड़ा, तो अच्छा लग रहा है। चुन्नी बड़ी प्यारी है इसकी, चुन्नी जो है इस पर हल्के से सितारे से लगे हुए हैं और चारों तरफ लेस लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। ये सोचा कि एक सफ़ेद सूट मंगा कर देखते हैं, तो ये सूट मंगाया। आज बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो शेयर करवाइए सब्सक्राइब करवाइए, अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा रम रम बाय बाय। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर।